जोर से बोलिए। कितने वर्ष का है? हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? संगम युग 100 साल का है, उसमें आप क्या पूछ रहे हैं? अरे यहाँ इन लोगों को आवाज नहीं आ रही, हम तो वैसे ही मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो रहे। आप आगे आगे बैठा करिए। हाँ, 100 वर्ष की शूटिंग में सतयुग की शूटिंग हो गई। हाँ, द्वापर की हो गई, अभी कौन सी शूटिंग चल रही? द्वापर की कब हो गई? मुरली रोज सुनते ही नहीं है, तो बात बुद्धि में कैसे बैठेगी कि द्वापर युग की शूटिंग कब हो गई? द्वापर के बाद फिर कौन सी युग की शूटिंग होती है? हैं? कलयुग की। द्वापर के अंत में कौन से भगवान का गायन है? हैं? कृष्ण भगवान का गायन है। तो ये शूटिंग कब हुई? 1998 में कारागार में कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, लेकिन वो भक्ति मार्ग की प्रत्यक्षता है या ज्ञान मार्ग की प्रत्यक्षता है? भक्ति मार्ग वालों की प्रत्यक्षता है, क्योंकि भक्ति मार्ग तो ये मानते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म पक्का तब माना जाता है ब्राह्मणत्व में जब यज्ञोपवीत हो जाए, नहीं तो सिर्फ जन्म लेने को पक्का ब्राह्मण नहीं मानते। यज्ञोपवीत होना माना 3 देवताओं के ज्ञान सूत्र को पूरा पूरा जीवन में धारण कर लेना। पढ़ाई पढ़ने वाली है कृष्ण की सोल, पढ़ाने वाला है बाप। कृष्ण की सोल पूरी पढ़ाई पढ़ चुकी है अभी कहें या पढ़ेगी या पढ़ रही है? पढ़ रही है। कब तक नहीं कहें कि पूरी पढ़ाई हुई? जब तक बड़ी से बड़ी भूल बुद्धि में न बैठे। कौन सी भूल? गीता का भगवान कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण, या निराकारी स्टेज धारण करने वाला परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ? तो पक्का ब्राह्मणत्व का जन्म कैसे कहा जाए? वो जन्म होगा और भगवान बाप कलंकीधर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। कलंकीधर का अवतार कौन से युग में है? कलयुग में। और कृष्ण का अवतार कौन से युग में मानते हैं? द्वापर में। यादगार मनाते रहते हैं। पंद्रह अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। कहते हैं ज्ञान गर्भ से बच्चा स्वतंत्र हुआ, परंतु क्या स्वतंत्र हुआ? पूरा ज्ञान आया नहीं आया? तो 1998 में द्वापर युग की शूटिंग हुई। द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान के रूप में शास्त्रों में दिखाया गया है।
कि महावारी महाभारत गृह युद्ध कराया, उसे कहते हैं कलह कलेश का युग, लड़ाई झगड़े का युग। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान द्वापर के अंत में आकर के कोई कलयुग लड़ाई झगड़े की दुनिया की स्थापना कराता है, कोई हिंसक युद्ध आकर के कराता है, नहीं। तो चारों युगों की शूटिंग रुद्रमाला के बच्चों के लिए पूरी हुई। तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, वो भी कार्य संपन्न हुआ। नंबर बार ब्राह्मण तैयार हुए बैठे हैं। बाप द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना का कार्य चला, वो रुद्र ज्ञान यज्ञ विस्तार को पा गया। अभी क्या रह गया है? ब्रह्मा द्वारा सुनने सुनाने का काम हुआ, शंकर द्वारा समझने समझाने तीसरे नेत्र का कार्य हुआ। अभी क्या काम रह गया है जो तीसरी मूर्ति के द्वारा होना है? तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल मूर्ति, न सिर्फ सुनना सुनाना, न सिर्फ समझना समझाना, क्या करना है? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और दूसरों को धारण कराना। ये शूटिंग अभी रही हुई है या हो चुकी? ये शूटिंग अभी भी रही हुई है। ये भी चार अवस्थाओं से पसार होगी, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। प्रैक्टिकल जीवन में चार प्रकार के धारण करने वाले प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। तो ऐसे नहीं कि चार युगों की शूटिंग का कार्यकाल समाप्त हो गया। कोई भी ड्रामा की शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, अंत तक होती रहती है या बीच में खत्म हो जाती है? अंत तक तब तक होती रहेगी जब तक फाइनल ना हो जाए। फाइनल हुआ और ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाता है, फिर शूटिंग समाप्त। तो ब्रॉड ड्रामा कब शुरू होगा? है 100 साल का संगम पूरा होगा, उससे पहले ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाएगा 5000 साल का, या बाद में ही शुरू होगा? बाद में ही शुरू होगा। और बाबा, जितने ज्यादा भक्ति की वो सबसे ज्यादा ज्ञान उठाएगा। तो भक्ति को मुर्दाबाद क्यों कहते हैं? जिसने ज्यादा ज्ञान उठाया होगा उससे साबित होता है कि उसने सबसे ज्यादा भक्ति की है। तो उसने सबसे पहले भक्ति पूरी की होगी या बाद में भक्ति पूरी की होगी? जब फायदा हो रहा है उसको फिर मुर्दाबाद क्यों करें? नहीं नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बात बताओ। जिस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है भक्ति से ज्ञान मिलता है, भक्ति पूरी होगी और ज्ञान मिलता है, उस भक्ति को पूरा करने वाला ज्ञान उठाने में सबसे पहले होगा या बाद में होगा? तो उसके लिए भक्ति मुर्दाबाद हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी? है हो चुकी। बस तुम्हारी जवाब मिल गया बाबा। दूसरा प्रश्न हमारा, जिस नंबर का भक्त उसी नंबर का ज्ञानी,
उसी नंबर से भक्ति को मुर्दाबाद करेगा। भक्ति का अगर कोई भी अंश रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ अगली बात, जो वैष्णवी विष्णु बनने वाली है, जब वो विष्णु बन जाएगी तो लक्ष्मी कौन बनेगी? जो वैष्णवी है वो ही चार भुजाओं वाली है, जो लक्ष्मी है वो ही महालक्ष्मी बनती है चार भुजाओं की। लक्ष्मी और वैष्णवी ये अलग अलग नाम नहीं है, एक ही काम है, एक ही नाम है। लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, विष्णु की पत्नी वैष्णवी। विष्णु का अर्थ क्या है? जिसमें विषय विकार का नाम निशान न हो, तो अकेले से साबित होगा या संगिनी भी साथ होगी तब साबित होगा, तो उसको कहते हैं वैष्णवी। हाँ, लक्ष्मी स्वदेशी होगी या विदेशी होगी? जगदम्बा स्वदेशी होगी या विदेशी? जगत की अम्बा, सारा जगत में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आएंगे या नहीं आएंगे? है? अरे वो जगत माने इस्लामी बौद्धियों की अम्मा है या नहीं है? सबकी अम्मा है, तो जगत की अम्बा है। और जो भारत माता है उसको भारतवासी ही मानेंगे या विदेशी भी मानेंगे? भारतवासी ही मानते हैं। तो भारत माता अलग है और जगत माता अलग है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, ये अव्यक्तवाणी में पहली में बोला गया। जगदम्बा शिव शक्ति अवतार तो नहीं कहा? कहा या नहीं कहा? नहीं कहा, क्योंकि ग्रेड में अंतर पड़ जाता है। और बाबा शिव बाबा साकार और आकार के मेल को कहा जाता है, तो फिर बिंदु की शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाबा कहा ही तब जाता है जब वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कोई शरीर में प्रवेश करता है। जिनकी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी याद आती है, तो उन्होंने अर्थ कोई नहीं समझा कि बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। शिव जो सदैव ज्योति बिंदु है, सदैव निराकारी है, कभी भी साकारी नहीं बनता, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर अर्थात बाबा नहीं है। ये व्याख्या ही गलत हो जाती है। शिव बाबा कहना, शिव माना ज्योति बिंदु, बाबा माने साकार, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, ऐसा मुरली में बोला है। इसलिए अगर कोई समझते हैं शिव बाबा बिंदु को, तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। और बाबा ने कहा है कि बाबा अंतर्यामी नहीं है, और हम तो कहते हैं बाबा अंतर्यामी है, ये कैसा? शिव बाबा अंतर्यामी है या शिव बाप अंतर्यामी है?
बाप कहा जाता है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। अगर शिव बाबा अंतर्यामी है तो उसे पोता मेल देने की क्या जरूरत। लेकिन मुरली में बोला है, क्या बोला है, पोता मेल किसको देना है, शिव बाप को या शिव बाबा को? शिव बाबा को पोता मेल देना है ताकि साकार को पता चले। बाकी जो सदैव साक्षी दृष्टा है उसको तो पोता मेल देने लेने की दरकार है ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी सदैव ही है। सत्यु और त्रेता युग में क्या पूछा बाबा, सतयुग और त्रेता में केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसी संस्था की आत्माएं आएंगी, या फिर जैसे बाहर की दुनिया में आसाराम बापू या सुधांशु महाराज या अन्य जो आत्माएं हैं भक्ति मार्ग की वो भी आएंगी? सतयुग त्रेता की आबादी होती है 10 करोड़। कितनी होगी? 10 करोड़। और 10 करोड़ की आबादी जब पूरी होगी तब अद्वैतवादी दुनिया शुरू होगी। अद्वैत देवताओं की दुनिया खलास हो जाएगी। तो जो पक्के पक्के भक्त हैं वो कब आवेंगे? द्वापर के आदि में द्वैतवादी, और जो नंबर वार ज्ञानी तू आत्माएं हैं प्रजापिता बाप को पहचानने वाली और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने वाली, वो कब तक आवेंगी? त्रेता के अंत तक आती रहेंगी। प्रजापिता ब्रह्मा मैं शिव को पहचानना, और पहचानने के साथ साथ मानना और प्रैक्टिकल जीवन बिताना, ये त्रेता के अंत तक ऐसी आत्माओं का हिसाब किताब है जो यहाँ शूट होता है। हाँ जी हाँ जी, राम राज्य के रास्ता राम है और रावण राज्य के रास्ता नंबर वाले बच्चे हैं, मुझे कहा राम एक सिर वाला होता है या अनेक सिर वाला होता है? एक सिर वाला माने एक बात करने वाला, छह सिर वाला माने छह मुंह से बातें करने वाला, और 10 सिर वाला माने 10 मुख से बातें करने वाला। राम भी अंतिम जन्म में क्या बनता है? रावण बनता है। तो राम वाली आत्मा भी रावण के चंबे में आती है या नहीं आती है? है? आती है, लेकिन कब तक? तब तक आती है जब तक वो निराकार राम बाप शिव, बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो रावण संप्रदाय से टक्कर लेने वाली बनेगी, हारने वाली नहीं बनेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक ही नारायण है जो सदैव विजय को प्राप्त होता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है।
रावण के अनेक रूप, राम का एक रूप। रामलीला जब खेलते हैं तो क्या दिखाते हैं? रावण को अनेक मुख और राम एक मुख से। एक बात कहने वाले को राम कहा जाता है, अनेक तरह की बातें बनाने वाले को झूठा कहा जाता है। बाबा छिड़ी के चित्र में तीन माता और चार भाई बताए गए और त्रिमूर्ति के चित्र में चार माता और चार भाई बताए गए, तो चौथी माता कौन है? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है क्या? स्वर्ग में तो प्रजावर्ग की आत्माएं भी जावेंगी, परंतु जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं उनके सहयोगी बन करके रहना ये बड़ी बात है। जिन्होंने शूटिंग पीरियड में भगवान बाप के बने बनाए घर को बिगाड़ने का संकल्प किया उनका चित्र कहाँ से आ जाएगा? इसलिए तीन ही दिखाए जाते हैं, बाकी स्वर्ग में तो प्रजा आएगी, वो आत्माएं भी आएंगी जो चारों धर्मों की बीज हैं और उनके फॉलोअर्स भी आवेंगे। स्वर्ग में आना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में चारों आत्माएं दिखाई गई है। और बाबा राम ही भगवान बनते हैं और रावण शैतान बनते हैं, राम ही रावण बनने का ये जो प्रचार है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो क्या? दुनिया का ऐसा कोई पार्ट नहीं जो तेरे पर लागू न होता हो। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो जब स्वर्ग की दुनिया का बीज भी एक ही है और नरक की दुनिया का भी बीज एक ही है, तो जो एक बीज है बाप, बीज आदि में भी होता है, भक्ति मार्ग के आदि में भी क्या होगा? बीज होगा या नहीं होगा? सबसे पहला पहला भक्त कौन बनेगा? वही बीज, वही पहले वैश्य बनेगा, पहला पहला विशेष आदम बनेगा, ईव बनेगी, को कोई दूसरा बन जाएगा है? एडम ईव ही सबसे पहले पहले विशेष बनेंगे, विचारी नहीं बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे? विशेष बनेंगे, विषय विकारों का भोग करने वाले बनेंगे। तो जो आदि है सो अंत है, अंत माने कब? जब 700-500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अपने अपने करिश्मे दिखा के बैठ जाएं, स्थापना पालना और विनाश का करिश्मा, कोई से वो कार्य संपन्न नहीं होता, तब अंत में वो आत्मा अपना कार्य संपन्न करती है। इसलिए बोला है बाप आए ही है, पाप में पाप बढ़ाने के लिए। तुम बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि इतना पाप बढ़ा सको, जो अति हो जाए और अंत हो जाए। इसलिए बाप को रहम करना पड़ता है कि जल्दी से अति हो जाए और अंत हो जाए। तुम तो ऐसे ही रेगड़ियां पहनते रहोगे। और बाबा ट्रिब्यूनल बैठेंगी वो ऐसा कौन सा समय होगा, वो कब बैठेगी और कैसे बैठेगी और वो कौन सी आत्माएं होगी वो जो ट्रिब्यूनल बैठने वाली? सबसे पहले प्रत्यक्षता कौन सी मूर्तियों की होती है? हैं?
पहले ब्रह्मा की स्थिति अंतन करके पहले ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होती है। बाप अकेला आता है, दुकेला आता है, यह तीन मूर्तियों के साथ ही साथ आता है, तो एक मूर्ति कैसे प्रत्यक्षता होगी? तीनों मूर्तियों की इकट्ठी प्रत्यक्षता होती है या एक की प्रत्यक्षता होती है? तीनों मूर्तियां इकट्ठी प्रत्यक्ष होती है। पुरुषार्थ भले आगे पीछे हो लेकिन प्रत्यक्षता बाप के साथ साथ तीनों मूर्तियों की होती है। तो कौन सी तीनों मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष हुई? अष्टदेव भी बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, पहले तीन मूर्तियों का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाता है, हुआ कि नहीं? दो तीन लोग बोल रहे हैं हुआ। तो जो तीन मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष होती है, आदि सो अंत, जवाब मिला? बाबा ने बोला तीन चीजें आपको हमेशा परेशान करेंगे, तीन चीजें आपको हमेशा परेशान करेंगे, तीन चीजें, चंचल, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, चंचल, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, चंचलता, बुद्धि की चंचलता, मन की चंचलता, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, हाँ और पुराने संस्कार, हाँ। तो तीन ही तो आत्मा में है शक्तियाँ, तीन ही शक्तियाँ तंग करने वाली है। अगर विकृति भरी हुई है तो वो विकार खत्म हो जाएगा। और तीनों तंग करने वाले बनेंगे या सहयोगी बनेंगे? सहयोगी बन जाएंगे। हाँ, कोई माता आगे पूछ रही है। हाँ, अंतर्मुखता होना क्या? अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है कि बोलना बंद कर देना तो अंतर्मुखी हो गया। बोलना बंद भी कर देगा तो अंदर से मन के संकल्प चलते रहेंगे और दुनिया के वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो अंतर्मुखता हुई या बहिर्मुखता हुई? भयंकर बहिर्मुखता हो गई, क्योंकि सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो मन से संकल्पों से बहिर्मुखी बनना वो तो बहिर्मुखता ही हो गई। असली अंतर्मुखता वो है जो मन के संकल्प भी बिंदु में समा जाए, वाचा भी न चले, बिंदु में वाचा समा जाए और कर्मेंद्रियों की सारी शक्तियां कहां समा जाए? बिंदु ही याद आए, दूसरी कोई भी इंद्रिय और उसका सुख याद ना आवे, उसको कहेंगे सच्ची अंतर्मुखता। निराकारी अवस्था उसी को कहेंगे? वही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। हाँ जी बाबा, अगर अब्राहम लिंकन पैसे से गरीब था या बुद्धि से गरीब था? बाबा ने जो भाषा बोली है उस भाषा से तुमने क्या समझा? ज्ञान से नहीं, ज्ञान उस समय था ही नहीं। इब्राहिम लिंकन का जब जन्म हुआ तब ज्ञान था या दुनिया में अज्ञान ही था? अज्ञान था, हा? लेकिन उसकी तुलना मैंने बुद्धि से की। फिर वो ही बुद्धि से? अरे वो किस बात का बुद्धिमान हुआ? क्या लक्ष्मी नारायण बन गया? राष्ट्रपति बन जाने से, राष्ट्रपति बन जाने से क्या दुनिया को उसने स्वर्ग बनाया या नरक का फाउंडेशन डाल दिया? तो फिर काहे के लिए बुद्धिमान कहते हो उसे? माने बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा फेल हो गया, इब्राहिम लिंकन जीत गया। बाबा ड्रामा जो बना बनाया है उसको कहते हैं ड्रामा। क्या पुरुषार्थ उसे कहते हैं जो हम करते हैं? हमारी मुट्ठी में पुरुषार्थ के बीज समाये हुए हैं। हम चाहें तो
पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरे से बुरा भी कर सकते हैं। आत्मा अपने लिए शत्रु और अपने लिए मित्र बन जाती है, और ड्रामा, ड्रामा में तो डर ही भरा हुआ है। और कहाँ से आता है डर? माँ से आता है डर या बाप से आता है? बाप से आता है डर। बाप का पाठ करक रहता ना। माँ काली है जो डर पैदा कर देती है, नहीं तो दुनिया में कोई डरने वाला नहीं है। बाप तो प्यार का सागर बन करके आता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बजाता जिससे बच्चों को डर पैदा हो जाए। और जोर से बोलो, सपने में सारा करो और कर देते। क्या बोला? आप मुझे सपने में दिखे। जय सिया राम। कान बहरे हो गए, ये आगे वालों के ही कान बहरे हो गए। अरे कोई दूसरा बता दो पीछे से। बाबा ये कहना चाहती है, आप मुझे सपने में दिखे। हाँ। आपके हाथ में खाली कटोरा था, मैंने कहा कि खाली कटोरा क्यों खाया? हाँ। मैंने दिया और वो भरा, फिर आपने खाली कटोरा कैसे ले? इसलिए दिया कि माताएं जब ज्ञान देंगी तब ज्ञान का प्रभाव निकलेगा, या भाई लोग जब तक ज्ञान सुनाते रहेंगे तब प्रभाव निकलेगा है? ज्ञान तो भगवान पुरुष में ही प्रवेश करके देता है, लेकिन उसका प्रभाव कब निकलेगा? जब लक्ष्मी निकले, लक्ष्मियां निकले, भारत माताएं निकले, जिनको कहा जाता है शिव शक्ति अवतार, गधेड़ियां ना हो, नरक का दरवाजा खोल के बैठने वाली ना हो, तो प्रभाव निकलेगा ज्ञान का, और प्रैक्टिकल में प्रभाव निकलेगा। पुरुषों के बस का कुछ है नहीं, उनके तो चोले को टाइटल दे दिया भगवान ने, क्या सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो उनका कटोरा खाली है या भरा हुआ है? है, है तो भले सिल्वर का कटोरा। आपका सपना सच्चा है या झूठा है? हैं? माता जी बोलो, सपना समझ में नहीं आया? हेलो, माता ने सपना देख लिया, समझ में नहीं आया। शोभा माता इनको समझा दो। बाबा मैं अपना ये कह रही है, सच्चा है कि आप कह रहे हैं? आपको तो सपना हुआ ही नहीं, आप तो सपना देखते ही नहीं प्रैक्टिकल में। बाबा मैं अपना एक सपना बता। अरे जब मैं बातचीत में आई बाबा पहले दिन, मुझे सपने में ऐसा दिखा कृष्ण बंसी बजा रहा था और उसके आसपास गोपिकाएं रास खेल रही थी, और मैं एडवांस में आई बाबा, तो पहले दिन मुझे आप आए मेरे घर में और मेरे घर का लाल लाइट निकाल के स्कूल से चले। मैं बोल रही थी बाबा मेरे घर का लाइट दे दो, आप बोल रहे थे तो मुझे लाइट लेके जाना है। मैं आपके पीछे पीछे बहुत देर तक आई, मगर आपने पीछे मुझे देखा ही नहीं बाबा, लाल लाइट ले गए। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमार कुमारी लाल लाइट को याद करते हैं या परम नाम को याद करते हैं? बिंदु को याद करो या लाल लाइट को याद करो, वो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है।
ज्ञान मार्ग क्या है? लाल लाल शिवलिंग जो लिंग है निराकारी स्टेज की यादगार, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की आभा लाइट भरी हुई है, एड़ी से लेकर के चोटी तक जीवन कैसा हो जाता है? ज्ञान में जीवन हो जाता है। कर्मेंद्रियां कहाँ रमी हुई हो? ज्ञान में रमी हुई हो। वाचा कहाँ रमी हुई हो? ज्ञान में रमी हुई हो। और मन के संकल्प भी ज्ञान में रमे हुए हो। उसको कहते हैं शिवलिंग, लाल लाइट का गोला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। न दिखाने का मतलब क्या हुआ है? ऐसे जीवन में आचरण करना जैसे कान है ही नहीं। अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में चारों ओर ग्लानी ही ग्लानी, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे ज्ञान सुनने के लिए ही ज्ञान का कान है, सुनाने के लिए ही इंद्रियां हैं, और वास्तव में अज्ञान सुनने के लिए इंद्रियां नहीं है। तो लाल लाइट का गोला हो गया हमारा घर। लाल लाइट का मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में लाल लाइट घर में जला के बैठ गए तो हम परम धाम में बैठ जाएंगे, ये तो वही बात हो गई। जैसे सन्यासियों ने निर्वाण को पसंद किया, क्या चाहते हैं? नहीं बाबा, मुझे निर्वाण को चाहते हैं। तो जो निर्वाण को चाहने वाले हैं वो परम धाम को ही तो पसंद करते हैं। परम धाम को पसंद करते हैं तो चुनरी कैसी पहन लेते हैं? लाल चुनरी पहन लेते हैं। अब चाहे लाल चुनरी पहन लो और चाहे लाल लाइट लगा दो, बात तो एक ही हो गई। तो वो भक्ति मार्ग की लाल लाइट भगवान उठा ले गए। अब आप पीछे पीछे दौड़े तो ऐसे थोड़े ही दे देंगे। पहले ज्ञान को समझो कि लाल लाइट क्या है, जिसके लिए मुरली में बोला है घर को याद करो, फिर बोला है बाप को याद करो, फिर बोला है स्वर्ग को याद करो, फिर बोला है मां में कम याद करो। अरे चार चार को याद करें कि एक को याद करें? हैं? फिर एक कैसे हुआ? उस एक में परमधाम भी समाया हुआ है, उस एक में स्वर्ग भी समाया हुआ है। अरे स्वर्ग तो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ऊंचा सुख है गोपियों का। क्या सुख है? अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। स्वर्ग में तो ज्ञान ही नहीं होगा और यहाँ तो ज्ञान भी होगा। स्वर्णिम संगम युगी सुख, जो बाप से डायरेक्ट मिलता है, और सतयुग के सुख डायरेक्ट बाप से नहीं मिलेंगे। इसलिए ये लाल लाइट, और लाल लाइट का अर्थ क्या है, उन दोनों में बहुत अंतर है। टिकना चाहिए। और बाबा शिव बाबा तीन मूर्तियों के साथ में आता है, आगे पीछे तो आता नहीं मूर्तियों को साथ में लेकर, फिर मनुष्य आत्मा जैसे उनमें नंबर वार क्यों गिर गई? नंबर वार कहाँ गिर गया? कैसे गिर गया समझाओ? नंबर वार गिर गया तो सबसे ऊंचा से ऊंचा, और गिरने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा गिरता है क्या? तीन पुरिया में नंबर वार नहीं गिरेगा? नहीं, बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दोनों के मेल से पैदा होता है या एक के मेल से पैदा होता है? दोनों के मेल से। तो या ये भी ऐसे ही है, शिव है ज्योति बिंदु बाप आत्माओं का। हाँ।
और वो शरीरधारी में प्रवेश करता है, तो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है वो चोला हो गया माता। तो दोनों साथ साथ हुए या अलग अलग हुए? साथ साथ हुए। आप प्रैक्टिकल साकार दुनिया में आ जाओ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और उन साक्षात्कारों को उन्होंने अपने किसी नजदीकी को सुनाया कलकत्ते में जाकर, या कि डायरेक्ट प्रजापिता को सुनाया? कोई नजदीकी थी, क्योंकि ब्रह्मा का पार्ट ही मुख्य रूप से बजाने का है माता का, तो माता माता से ज्यादा मेल करेगी या पुरुष से ज्यादा मेल करेगी? माता से। तो माताएं दो थी कलकत्ते में, दो माताएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सी माता के नजदीक गए होंगे, उनके कौन नजदीक रही होगी? है, अरे लौकिक जीवन में उनके कौन नजदीक थी? है, उनकी बहन ज्यादा नजदीक थी। बहनों ही नजदीक नहीं थे, कौन नजदीक थी? बहन नजदीक थी। तो बहन और बहनोई षष्ठी के अंत में विष्णु रूप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु। दादा लेखराज और उनकी पत्नी यशोदा, उनके तो स्वभाव संस्कार ही नहीं मिलते थे। अगर मिलते होते तो ओम राधे मम्मा को यज्ञ का निमित्त माता बनाने की क्या दरकार थी? थी नहीं थी? तो अपनी बहन को उन्होंने बताया जाकर, और बहन तो पवित्रता की देवी थी। यह दुनिया में कोई और भी माता ऐसी हो सकती है जो उससे ज्यादा पवित्र हो? है, अरे जो आदि में विष्णु वो अंत में विष्णु, तो वैष्णो देवी कैसी होगी? पवित्रता की देवी होगी। उस पवित्रता की देवी के लिए प्रजापिता परमेश्वर का रूप रहा होगा या नहीं रहा होगा? है, अंतिम जन्म में भी परमेश्वर का रूप रहा, और कलकत्ते में जो भी पुरुष मात्र थे वो कलकत्ते की दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय थी या नहीं थी? है, वैश्यालय थी। उस वैश्यालय में वैश्यालय का सबसे बड़ा बीज भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है, था। कलकत्ते के लोगों के लिए खास बोला हुआ है, दो दो पत्नियां रखते थे, दूसरी पत्नी के लिए अलग घर बना के रखते थे। तो दादा लेखराज ने अपनी बहन को बताया, और बहन तो उदारता की मूर्ति थी। वो उदारता की मूर्ति अपने लिए मरने वाली थी या अपने पति के सुख के लिए मरने वाली थी? पति के सुख के लिए मरने वाली थी। अगर पति को दूसरी पत्नी में सुख है तो उससे उसको खुशी बढ़ेगी या खुशी कम होगी? उसकी खुशी बढ़ गई तो दूसरी पत्नी का मान देगी या नहीं देगी? हैं? देगी। दूसरी पत्नी को उसने बताया तो दो गीताएं हो गईं, एक सच्ची गीता और दूसरी झूठी गीता। जो सच्ची गीता है उसको पहले पहले ब्रह्मा ने सुनाया, वो सुनने सुनाने वाली गीता बनी, गीता माता, और उसने दूसरी माता को सुनाया। जो दूसरी माता है
वो प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली है या मुख का बड़बड़ करने वाली है? हैं? अच्छा, दूसरी माता। माताएं भी दो प्रकार की होती है, एक मुख से ज्यादा बड़बड़ नहीं करती है और दूसरी ऐसी होती है कोई बात सुनी और पटाख से उनके पेट में समाती नहीं, फटपट फटपट फटाफट सुनाना शुरू कर देती। तो दूसरी माता ने प्रजापिता को बताया, जिस समय सुनाया प्रजापिता को उसी क्षण शिव ने प्रवेश किया, सुनने के साथ समझा भी जा सकता है या नहीं समझा जा सकता है, हैं? दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं, तो दोनों कार्य साथ साथ हुए। प्रजापिता ने दूसरी माता से सुना भी और समझा भी, माने ज्ञान का बीजारोपण हो गया। इसलिए गीता में आया है, मैं जब आता हूँ तो किसको ज्ञान सुनाता हूँ? सूर्य को ज्ञान सुनाता हूँ। वो ज्ञान सूर्यवंशी राम का पार्ट हो गया, फिर वो ज्ञान सुनाया गया, माने उन साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया और समझाया गया, तो किसने किसने सुना? सुनने वाले कितने थे? दो नहीं थे, तीनों थे, प्रजापिता भी था, दोनों प्रजा माताएं भी थी, तीनों ने एक साथ सुना। उनमें से तीनों ने समझा या नंबरवार समझा? नंबरवार समझा। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि एक के बाद एक था, एक के बाद एक में प्रवेश किया। प्रवेश करना अलग बात और प्रत्यक्ष होना अलग बात। जब आया था तो भी तीनों के बीच में आया था, और संसार में जब प्रत्यक्ष होगा तो भी तीनों के बीच पहले प्रत्यक्ष होगा कि दुनिया वालों के बीच पहले प्रत्यक्ष होगा? तीनों के बीच प्रत्यक्ष होगा। अकेला बाप या अकेला माँ या अकेला बच्चा परिवार नहीं बनाता है, परिवार बनाने के लिए तीनों चाहिए, बाप भी चाहिए और माता भी चाहिए और जगदम्बा बच्ची भी चाहिए। जगदम्बा को बच्ची कहा जाता है कि नहीं है? कहा जाता है। तो पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ, कैसे ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मण बनने के लिए तो ब्रह्मा भी चाहिए। तो पहले नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ, दूसरे नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ, तीसरे नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ, कौन हुआ है? दादा लेकर आज है। ब्रह्मा तो अम्मा होना चाहिए पहले, आदि माता। इसलिए भक्ति मार्ग में पार्वती को भी आदि देवी कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन संपन्न करने वाला कार्य पार्वती का है, प्योरिटी से ही प्रैक्टिकल होता है। महाकाली की प्योरिटी में और महागौरी की प्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और
बाबा इसका मतलब जो पार्वती है वो मतलब ब्रह्मावन जो साक्षात सुना है वो पार्वती मना आदि राधा कोई पहले सुना है? किसने सुनाया साक्षात्कार का पहले जाकर के उसे विधि ना वो वही समझने? किसने सुनाया और किसने सुना? मैं ब्रह्मा बाबा ने आदि राधा ब्रह्मा बाबा ने किसी को भी सुनाया हो? ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा नहीं है। नहीं वो ब्रह्मा नहीं मतलब पहले सुनाया उनको। हाँ जी तो उन्होंने फिर वो उनके जो भी नजदीकी होगा उसी को सुनाएंगे। प्रजापिता जो उनका बहनोई था वो ज्यादा नजदीक था या उनकी बहन उनके ज्यादा नजदीक थी? बहन ज्यादा नजदीक थी तो बहन को सुनाया। तो पहले बहन जो बना आदि राधा वाली आत्मा की जगदम्बा वाली आत्मा। अब आप समझिए कि ब्रह्मा जैसी धारणावान आत्मा की बहन कैसी होगी? है धारणावान ही होगी या बिना धारणा की होगी? फिर तो ब्रह्मा की सोल जो है वो जगदम्बा में पार्ट बजाती है तो जगदम्बा के शरीर को डब्बा कहा गया है। तो जगदम्बा की जो सोल है वो फिर कौन सा पार्ट कैसा पार्ट बजाती है? माँ किसको कहा जाता है? धरणी माता को कहा जाता है। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जो धारणा का पार्ट बजाने वाली संसार में साबित होती है बड़ी माँ जिसको कहते हैं वो, या बड़ी माँ में प्रवेश करने वाली आत्मा। मुरली में भी बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाई दिया है। तो असली जगदम्बा कौन हुई है? ब्रह्मा। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में पार्ट किसने बजाया? सहनशीलता का। अगर सहनशीलता की बात सर्वगुणों का राजा सहनशीलता को आगे रखा जाए तो कौन ऐसी आत्मा है दुनिया में दिखाई पड़ती है ब्राह्मणों की दुनिया में जिसने सहनशीलता का सबसे जास्ती पार्ट बजाकर दिखाया? कोई उंगली नहीं उठा सकता। जगदम्बा कहें या ब्रह्मा कहें? ब्रह्मा कहें। मतलब उनकी जो सोल है मगर बाबा वो उसका ना के बराबर पार्ट है इसका, कोई पार्ट किसका? ब्रह्मा की ओरिजिनल सोल जो है। सुनने सुनाने को महत्व देंगे या धारण करने कराने को महत्व देंगे? आप किसको महत्व दे रहे हैं? या सकल सूरत को महत्व देंगे? सन्यासी लोग तो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 जपते रहते हैं। बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्ध रूपी हाथ कहाँ रहता है? मुख में रहता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। मुख से कहना राम राम और अंदर से वही अपनी अम्मा परिवार की जो माता है वही याद आती रहे अंत तक जिंदगी में, तो उनको सच्चा संन्यास कहेंगे? है कि झूठे सन्यासी हुए? मन से याद करते रहे और तन से त्याग दें संसार को दिखाने के लिए कि हम बड़े पवित्र हैं, मन से वही घर घर से याद आता रहे तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? झूठा ही तो कहेंगे। बाबा जी हाँ। दादा लेखराज बहन छोटी होंगी थी क्या बड़ी होंगी? आप सोचिए दादा लेखराज जैसी श्रेष्ठ आत्मा जो पुरुष तन लेने वाली है सहन शक्ति का आगार है उसकी बहन कैसी होगी?
तो फिर समझो उसने पूछने की क्या बात। यज्ञ के आदि में 300 कन्याओं का माताओं का जब संगठन था उस वक्त दोनों माताएं भी थी। ब्रह्मा बाबा उस संगठन के टाइम वतन से डायरेक्शन बुलवाते थे या प्रोग्राम बुलवाते थे तो कैसे, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा भी यहीं थे माताएं भी थी तो ऊपर से प्रोग्राम सपने में और साक्षात्कार में प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल का अंतर कहा जाए या नहीं कहा जाए है? जो सपना होता है और जो साक्षात्कार होता है एक ही जैसा होता है या थोड़ा अंतर होता है? थोड़ा अंतर है। साक्षात्कार खुली हुई आंखों से भी हो सकता है और सपना बंद आंखों से सोने के टाइम होता है। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। इसलिए बोला है अंत समय में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला बहुत चलेगी। आज में भी सिंध हैदराबाद में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चली थी। अभी तो एक दो माताएं बोलती हमको ये सपना आया, हमको वो सपना आया। लास्ट में तो बहुत बोलेंगे, साक्षात्कार से ही जैसे कि प्रत्यक्षता होने लगेगी। और बाबा जो दादियाँ हैं तो वो साक्षात्कार में जाती है तो ऐसे दिन में साक्षात्कार में जाती होगी हैं? जो दादियाँ हैं हाँ तो वो साक्षात्कार होता है उनको हाँ तो वो दिन में ही साक्षात्कार होता है क्या? दिन में ही जागृत अवस्था में। रात में साक्षात्कार नहीं होता है क्या? दिन में भी साक्षात्कार होता है, रात में भी होता है, लेकिन जागृत अवस्था में होता है। और बाबा कल्पना शक्ति कहा जाता है। हाँ जी, कल्पना क्या है आत्मा की? जो पूर्व जन्मों की बातें हैं वो आत्मा में आती रहती है संकल्पों में, उसी को संकल्पना कहा जाता है। और बाबा ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। और क्या माना कैसे? और क्या उसमें उलझ जाना है? साक्षी माना कैसे? साक्षी का मतलब है कोई बात में उलझना नहीं। उलझना है तो ज्ञान की बातों में उलझना है, श्रीमत की बातों में उलझना है। बाकी जो बीत गया उन बातों में बुद्धि को उलझाना उससे नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। जो बीता सो ड्रामा, भविष्य में जो होने वाला है उसको ज्ञान की दृष्टि से देखना, ड्रामा नहीं समझ के बैठ जाना। दादी संदेश लेके जाती है रोके तो वो मोहिनी दीदी को देखा तो ये प्रकाश मुंडा जी को देखा, कैसे देखती है वो स्वप्न में? आप कैसे देखते हैं? अभी अभी तो बताया कि स्वप्न में और साक्षात्कार में खास कोई अंतर नहीं है। तो भोग लगा के बैठे? हाँ, आप सपने में भोग लगाते कि नहीं कभी? अरे आप सपने में खाते हैं कि नहीं? एक ही बात को बार बार क्यों पूछना? हाँ जी, आप सपने में कैसे जाते हैं? जो बाबा बोलेंगे वो तो सुनेगी ही नहीं माता, अपनी बात बोलनी चली जाएगी। बाबा ब्रह्मा ये लक्ष्मी वाली आत्मा जो है उसको साक्षात्कार की चाबी के आधार से निश्चय होगा ऐसे कहा है, ये कैसे हो? अव्वल नंबर भक्तिन कौन है? तो मेरा स्थूल ज्ञान के आधार से नहीं आया, उसका साक्षात्कार के आधार से होगी। पति परमेश्वराय नमो नमः कौन करेगी अंत तक? उसको जो रतन मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? हाँ जी, और
शंकर बाबा सहनशीलता और समाने की शक्ति जो है, ये शक्तियों में भावना का जो परसेंटेज है वो किस आधार पे, मैंने संस्कार के आधार पे होता है क्यों? दुश्मन ने दुश्मनी की, नुकसान कर दिया और उसकी दुश्मनी को माफ कर दिया, दुश्मन को अपना दोस्त भी बना लिया, अपने नजदीक भी रख लिया, वो हुआ समाना। क्या ऐसा समाने का काम बीके वाले नहीं करते हैं? क्या एडवांस पार्टी में ऐसा समाना भी होता है? जो एक बार बीके से बाहर निकल गए या निकाल दिए गए, उनको दोबारा वो अपने में समाकर नहीं रख सकते, उसको कहेंगे समाना की शक्ति नहीं है। और जिसमें सहन शक्ति नहीं होगी उसमें समाने की भी शक्ति नहीं होगी। सहन शक्ति होगी तभी समाने की शक्ति होगी। टाइम ज्यादा हो गया।